नमस्ते बच्चों, क्लास 5 हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पहले वाले वीडियो में पत्र लेखन के बारे में और उसका जो पहला भाग है औपचारिक पत्र, उसके बारे में जानकारी ली थी। अब इस वाले पत्र में हम लोग अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अभी अनौपचारिक पत्र मतलब क्या है? जो पत्र हम लोग अपने मित्र, सगे, संबंधी लोगों को लिखते हैं या फिर जान पहचान के लोगों को लिखते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र, उस पत्रों को क्या कहते हैं? अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है देखते हैं, यानी उसका प्रारूप क्या है। जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता पिन कोड के साथ होना चाहिए। उसके बाद तारीख यानी दिनांक, डेट होनी चाहिए। जो व्यक्ति पत्र प्राप्त करने वाला है उस व्यक्ति के प्रति संबोधन होना चाहिए। और अभिवादन मतलब प्रणाम हो, नमस्कार हो, सुभाषित हो, जैसे सब अभिवादन के साथ आपको लिखना है। और उसके बाद विषय वस्तु यानी मतलब विषय विस्तार, जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी देना है। और उसी के साथ परिवार यानी उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, जैसे माता पिता हो, चाचा चाची हो, तो उन सब के बारे में आपको वहाँ पर लिखना होगा। अगर जैसे मतलब पत्र अपने मित्र को पत्र लिख रहे तो चाचा चाचे को मेरा प्रणाम कहना। अगर आप मतलब अपने भाई को पत्र लिख रहे तो दादा दादी मम्मी पापा को सबका प्रणाम कहना। ये सब कुछ आप वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद समापन, और जो व्यक्ति पत्र प्राप्त करने वाला है उसके साथ ओके आपका रिलेशन क्या है, और बाद में आपका नाम। अगर आप भाई को लिख रहे तो तुम्हारा भाई, अगर बहन है तो तुम्हारी बहन, ऐसा करके आपको नीचे आपका नाम लिखना होगा। ये उसका अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। अभी उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखे रहे, जो आपका फ्रेंड है क्लास में फर्स्ट आया है तो उसको बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो पहले 102 शिवाजी नगर मणिपाकम चेन्नई, और 600091 तो ये सब हो गया पता। उसके बाद आती है तारीख 16 सितंबर 2020। उसके बाद प्रिय रसिका, अभी रसिका कौन है? जो व्यक्ति पत्र प्राप्त करने वाला है वो है रसिका। और उसके बाद नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम परीक्षा में प्रथम आई हो। मतलब तुम्हारा पत्र मिला और मुझे यह खुशी हुई कि तुम कक्षा में प्रथम आई हो। यह सब तुम्हारे परिश्रम का फल है, और यह सब क्या है? तुम्हारे परिश्रम का फल है क्योंकि तुम्हारे हार्डवर्क के कारण ही तुम कक्षा में प्रथम आई हो। तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई, मतलब तुम्हें जो सक्सेस मिली है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ यानी बेस्ट विशेस। आशा करती हूँ कि तुम भविष्य में भी ऐसी सफलता प्राप्त करती रहोगी, और मुझे पता है कि भविष्य यानी फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही सक्सेस मिलती रहेगी, पाती रहोगी। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना, भी यहाँ पे उसकी फैमिली के बारे में बताया, परिवार के बारे में, तो चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। और लास्ट में तुम्हारी सहेली, तो मतलब दो दोस्तों के बीच इसीलिए सहेली किया है। अगर दो भाई है तो तुम्हारा भाई, भाई और बहन तो तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारी बहन, आपको ऐसा लिखना है। और उसके बाद जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए। तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। तो आपको पता चला पत्र लेखन के दो प्रकार, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो आशा करती हूँ आपको एक भाग पसंद आया होगा। चलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।